नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत। मैं पंडित ए पी शुक्ला। आज का हमारा विषय जो है, जन्म पत्री में किन योगों के कारण मकान का सुख मिलता है, या फिर कह लीजिए कौन से ऐसे योग होते हैं जिनके कारण जो है जातक जो है जीवन भर दूसरों के मकान में रहता है। कौन से ऐसे योग होते हैं जिनके कारण बच्चा जो है जन्म लेता है अपने मकान में, या फिर कह लीजिए बच्चे के जन्म के साल दो साल के अंदर जो है अपने मकान उसका जो है अपना मकान हो जाता है, या फिर उसका उनके पिता जो है मकान खरीद लेते हैं। कौन से ऐसे योग होते हैं जिनके कारण जीवन की जमा पूंजी, जितने भी आपने जीवन की जमा पूंजी बनाई थी, वो सारी जो है एक झटके में चली गई, कोई केस में फंस गई, आपको पोजेशन नहीं मिला, फ्लैट में लगाया था धन वो खराब हो गया, या फिर कह लीजिए वो कोर्ट केसेस में चला गया, उनका क्या कारण, किन योगों के कारण ये स्थिति बनती है। कौन से ऐसे योग होते हैं जो कम से कम जो है एक मकान को दिखाते दिखाते हैं, एक से ज्यादा भी बताऊंगा मैं। कौन से ऐसे योग होते हैं जो जातक को करने चाहिए, मकान से संबंधित व्यवसाय, या फिर मकान से संबंधित या जमीन से संबंधित कौन से ऐसे योग होते हैं जो आने वाले समय में जातक को लाभ देंगे, इसके बारे में बताऊंगा। बने रहिए मेरे साथ में, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिसे हम सब हरदम मैं कहता हूं बल मिलता है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक सामान्य तरीके से मैं बताऊंगा, अगर ये योग हैं आपकी पत्रिका में तो आपका अपना मकान जरूर होगा। बस अपनी लगन को देख लीजिएगा, लगन मतलब हो गया ज्योतिष की भाषा में, लोग लगन कहते हैं, जो पहला भाव है, जो पहला अंग खाना है, उसमें कौन सा नंबर लिखा है। अगर यहाँ पर तीन नंबर लिखा है मतलब मिथुन लगन की पत्रिका है, एक नंबर लिखा है यहाँ पर इस जगह पर नंबर लिखा होगा तो मतलब मेष लगन की पत्रिका है, चार नंबर लिखा है कर्क लगन की पत्रिका है। इसको देखने के लिए आप गूगल से ट्राई कर सकते हैं, एक नंबर पे कौन सी राशि होती है जो एक नंबर को दिखाती है, बस इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो है कुछ सामान्य तरीके बताऊंगा, और जो लोग स्टूडेंट्स हैं मुझसे सीख रहे हैं मैं उनको जो है कुछ योग बताऊंगा आज इसके माध्यम से, और जो जो ज्योतिष से संबंधित रुझान रखते हैं या जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ज्योतिष में, तो कुछ योग उनको मैं बताऊंगा। ये योग जो है उनको आने वाले समय में बड़ा फायदा देंगे। चलिए शुरू करते हैं, मकान से संबंधित योग कौन से होते हैं जो पत्रिका में बनते हैं। देखिए चौथे भाव को हम लोग जो है जमीन को देखते हैं या जमीनी सुख को देखते हैं, और भी चीजें इससे देखी जाती हैं, गाड़ी देखी जाती हैं, माता को देखा जाता है, गहनों को देखा जाता है, लग्जरियस लाइफ को देखा जाता है, सास को देखा जाता है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, ससुर को देखा जाता है, इससे सास नहीं ससुर को इससे देखा जाता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस भाव में देखी जाती हैं। अभी केवल हम मकान से संबंधित जो है चीजों को लेकर चलते हैं कि मकान किस तरीके से, इसके माध्यम से आप देख के समझ जाएंगे कि आपका मकान का सुख है कि नहीं पत्रिका में। देखिए चतुर्थ भाव मकान के लिए, मंगल इसका कारक है, शनि मोरंग बालू सीमेंट सरिया इन सब चीज, शनि को मत देखना मत भूलिएगा, शनि तो मेन है मकान के, मंगल के साथ में शनि की उपयोगिता बहुत जरूरी है पत्रिका में, और शनि ज्यादा देता है, मतलब शनि दो से तीन तक दे देता है, चार दे देता है, उसकी कोई क्वांटिटी नहीं है। तीसरी चीज शुक्र ऐश्वर्य का कारक है, शुक्र जो है ऐश्वर्य का कारक है, लग्जीरियस का कारक है। इसके बाद एक होता है जो ज्योतिष सीख रहे हैं या इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको पता है D4 को जरूर देख लीजिएगा। अगर किसी के आप जो है मकान की गणना कर रहे हैं कि मकान होगा कि नहीं होगा या कब होगा, ये आपको D4 बता देगा कि मकान होगा कि नहीं होगा। दूसरी चीज इस भाव को और इस भाव को, ये द्वादश भाव है, बिना व्यय के मकान मुश्किल ही है, ठीक है मिलना। तीसरी चीज अब चलिए योगों पे आते हैं, चौथा भाव भली अवस्था में, मान लीजिए यहां पर एक नंबर से हम शुरू करते हैं, एक दो तीन चार, चार नंबर मतलब चंद्रमा मालिक है। अगर चंद्रमा बैठ गया अपने भाव में, या फिर इसका स्वामी चंद्रमा जो है इसको देखे, यहां बैठ के देख ले अपने भाव को, तो ये मजबूती दे रहा है कहीं ना कहीं, इस भाव को संबंधित चीजों से ये बढ़ावा दे रहा है। मान लीजिए यहां पर आठ नंबर लिखा है तो ये मंगल का भाव है, मंगल इसको देखे, मंगल इसमें बैठे तो ये भाव कहा जाएगा बली अवस्था कही जाएगी भाव की। इसके बाद अगर चौथे भाव और मान लीजिए चार नंबर लिखा है, यहां एक नंबर लिखा है, यहां ये जो है चंद्रमा बैठा है, यहां मंगल बैठा है, चौथे भाव और पहले भाव का आपस में राशि का परिवर्तन हो जाए, राशि परिवर्तन मतलब हो गया एक दूसरे के घर में बैठ गए, मतलब मंगल जो है यहां बैठे चंद्रमा के घर में और चंद्रमा जो है मंगल के घर में बैठे, ये उसी तरीके से कि आप किसी के घर जाएंगे और दूसरा आपके घर आएगा,
तो आपको भी डर रहेगा कि कोई गलत काम नहीं करना है, क्योंकि वो मेरे घर पे है, इसलिए आप भी उसका ध्यान रखेंगे और वो जो है आपके घर का ध्यान रखेगा। मतलब एक दूसरे से राशि का परिवर्तन कर ले, ये भी कहा जाएगा। जातक का अपना मकान जरूर होगा। दूसरी चीज, शुक्र चंद्रमा, मान लीजिए यहां पर चौथे भाव से शुक्र यहां बैठ गया है, चंद्रमा, शुक्र चंद्रमा यहां बैठ गया है, शुक्र चंद्रमा यहां बैठ गया है, और इसका मालिक, इसका इसका मालिक मतलब राशि अधिपति, वो भाग्य में बैठ गया है, तो ये कहा जाएगा। और लगन से जो है संबंध बना ले, भाग्य में बैठने के बाद लगन से संबंध बना ले, लगन मतलब ये, भाग्य मतलब ये, और ये शुक्र चंद्रमा यहां पर जो है इसके साथ संबंध भी बना सकते हैं, इसके राशि अधिपति के साथ संबंध बना ले, और नवम से संबंध बन जाए जिसमें लगन देख ले, लगन का मालिक या लगन से जो है संबंध बन जाए, तो ये कहा जाएगा जातक को जो है लॉटरी या फिर कह लीजिए कि किसी उपहार में, या फिर कह लीजिए जिसमें उसका धन नहीं लगा और उसको जो है प्रॉपर्टी मिल गई, ये स्थिति जो है ये बनाता है शुक्र चंद्रमा। चतुर्थ के साथ संबंध बनाए या उसमें बैठ गया, उसमें भाग्य का इन्वॉल्वेशन हो जाए, या इसका मालिक जो है भाग्य में बैठ गया और लगन उसके साथ संबंध बनाए या लगन उसको देख ले भाग्य को, तो ऐसे में कहा जाएगा जातक का जो है कहीं विभिन्न स्रोतों से, जो अलग स्रोत है जिसमें उसका धन नहीं लग रहा है, ऐसे स्रोतों से उसको कहीं ना कहीं जो है मकान की या जमीन की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। इसके बाद चौथे भाव में, चौथे भाव में अगर राहु, चौथे भाव में राहु, चौथे भाव में राहु बैठे और जिस राशि में बैठे, मतलब ये चौथे भाव में मान लीजिए यहां पर लिखा है 7 नंबर, इसका मालिक शुक्र हो गया, राशि अधिपति केंद्र या त्रिकोण में हो, ध्यान से सुनिएगा, चौथे भाव में राहु बैठे उसका राशि अधिपति केंद्र या त्रिकोण में हो, और राहु को लगन और मंगल, या लगन मंगल एक साथ बैठे हुए हैं, या फिर किसी प्रकार से भी लगन और मंगल राहु को देख लें, तो यह कहा जाएगा जातक का एक से ज्यादा मकान होंगे, या फिर जातक जो है इस क्षेत्र में जो है अच्छा काम करेगा, अगर उसमें जो है एकादश और दशमेश की भी दृष्टि पड़ी आए, तो ऐसे में कहा जाएगा जातक का जो है एक से ज्यादा मकान होगा, या फिर उसका दिमाग जो है प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में जाएगा और वो तरक्की भी करेगा। कुछ मैं बिंदु मैं आपको और बताता हूं। देखिए 12वां भाव, दूसरा भाव, चौथा भाव, 12वां भाव, दूसरा भाव, चौथा भाव लगन या त्रिकोण में बैठे और बलि अवस्था हो, मतलब 12वां मान लीजिए 1 नंबर से शुरू हुआ और ये 12 हो गया, ठीक है, तो इसका मालिक गुरु, इसका मालिक शुक्र और इसका मालिक चंद्रमा, ये तीनों जो है बलि अवस्था में लगन या त्रिकोण बैठे, तो ऐसे में कहा जाएगा जातक का अपना मकान जरूर होगा, और ऐसा मकान होगा जिसका बेडरूम बहुत अच्छा होगा, देवालय बहुत अच्छा होगा, मतलब जहां पर जो है पूजा पाठ आदमी करता है वो हिस्सा बहुत अच्छा होगा, और ड्राइंग रूम बहुत अच्छा होगा, बेडरूम बहुत अच्छा होगा, देवालय मतलब जहां पर जो है पूजा पाठ करता है स्थान, पूजा के स्थान बहुत अच्छा होगा, बहुत उसको मेंटेन भी रखेगा, और बेडरूम उसका ड्राइंग रूम बहुत अच्छा होगा, अगर जो है 12वां भाव, दूसरे भाव और चतुर्थ भाव का आपस में संबंध बन रहा है। तो तीसरी चीज, 12वें भाव, दूसरे भाव, चौथे भाव, 12वें भाव, दूसरे भाव, चौथे भाव का संबंध, और 11वें भाव, 12वां, दूसरा, चौथा, 11वें भाव का संबंध आपस में बन रहा हो, उसमें लगन दृष्टि डाल दे, लगन का मालिक मतलब ये तीन भाव, ये आपका 12वां भाव, दूसरा भाव, चौथा भाव और 11वां भाव का आपस में संबंध बने, किसी प्रकार का भी संबंध बने, दृष्टि परिवर्तन, दृष्टि पड़ जाए आपस में बैठ के, एक दो ग्रह बैठे हो उस पर इनकी दृष्टि पड़ जाए 12वें, दूसरे और चौथे और 11वें में, या फिर कह लीजिए कि आपस में एक दूसरे घर में बैठ जाए, राशि परिवर्तन हो जाए, दो ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं और जो है दो ग्रहों का राशि परिवर्तन होके जो है वो दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये कहा जाएगा उस पर लगन भी देख ले, उसको उन चारों ग्रहों के संबंध में लगन का इन्वॉल्वेशन होना जरूरी है, तो ये कहा जाएगा जातक पास जो भी धन आएगा वो कहीं ना कहीं जो है उसका दिमाग चलता रहेगा कि हम इसको इन्वेस्ट कर दें, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी में, और उसका लाभ भी मिलेगा, और लाभ नहीं बहुत लाभ मिलेगा,
अगर वो स्थिति जो है शुभ है, पापी ग्रहों से पीड़ित ना हो, शुभ स्थिति है, तो ऐसे में कहा जाएगा जातक को उस चीज से लाभ मिलेगा, उस प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा, या फिर कह लीजिए उस व्यवसाय से लाभ मिलेगा। लगन में, ये लगन है आपका, ठीक है, चतुर्थेश या चंद्रमा, लगन में चतुर्थेश के साथ चंद्रमा अगर बैठे, चतुर्थेश मतलब ये हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पर 8 नंबर लिखा है और यहां पर लिखा आपका जो है 5, 6, 7, 5 सिंह, सिंह और आपका जो है चतुर्थेश हो गया मंगल, मंगल जब लगन में बैठे चंद्रमा के साथ बैठ जाए तो ये कहा जाएगा जातक जो है अपना मन मकान पे उसका लगा रहेगा, या फिर ऐसे जातक को अपना मकान जरूर मिलेगा, मतलब चतुर्थ भाव का मालिक। मान लीजिए यहां पर जो है 7 नंबर लिखा होता, चंद्रमा के साथ यहां पर शुक्र बैठ जाता, 7 नंबर में शुक्र हो गया, या फिर इसका आपस में संबंध जो है लग्नेश के साथ बन जाता, तो ऐसे में क्या है, दिमाग जो है थोड़ा भी पैसा है उसको जो है खाते में डाल दिया, थोड़ा पैसा अपने पास रखा, थोड़ा थोड़ा करके भी जो है जोड़ के जो है, जब तक जातक मकान नहीं बना लेगा तब तक उसके दिमाग में ये चीज बनी रहेगी कि मेरा मकान, मेरा मकान। और बन जाने के बाद उस मकान का ऐसे लोग बड़ा केयर करते हैं, थोड़ी भी टूट फूट हो जाएगी तो तुरंत जो है रिपेयरिंग कराना, तुरंत जो है मैकेनिक को बुलाना, ये स्थिति जो है ये बनाते। एक चीज का ध्यान रखिएगा, बिना गोचर के और बिना दशा के बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि 60 साल 70 साल में मकान बनाए, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो 30 साल में मकान बना लिया, 22 साल में बना लिया। वो दशा निर्धारण करती है कि मकान कब बनेगा, योग है तो मकान जरूर बनेगा, वो दशा निर्धारण करेगी कि ये मकान कब बनेगा। इसके बाद चौथे भाव का मालिक और तीसरे भाव का मालिक, चौथा भाव बलि अवस्था में हो, तीसरा भाव बलि अवस्था में हो, तो भी कहा जाएगा कि जातक अपना मकान जरूर बनाएगा, या फिर जीवन में उसका मकान जो है जरूर बनेगा। तीसरे भाव का मालिक, चौथे भाव का मालिक और मंगल बलि हो, उसके साथ जो है आपका लग्नेश बलि हो, तो ऐसे में कहा जाएगा जातक मकान बनाने के लिए तत्पर रहेगा और मकान अपने जीवन में कम से कम 2 मकान बनाएगा जब भी जो है, और पापी ग्रह अगर शनि आ रहा है तो 2 से ज्यादा मकान बनाएगा। लगन ये तीसरा भाव, तृतीयेश चतुर्थेश ये बलि हैं, इसके स्वामी इसके बलि हैं, और मंगल बलि अवस्था में लगन के साथ जो है संबंध बनाए, या बलि अवस्था में है लगन, बगल बलि अवस्था में है या मित्र क्षेत्रीय, तो ये कहा जाएगा कहीं ना कहीं जातक अपना मकान जरूर बनाएगा। मुझे तो संदेह नहीं है इस चीज में, जातक का अपना मकान जरूर होगा, बस ये ध्यान रखिएगा कि वो मकान की क्वांटिटी कितने मकान होंगे वो डिपेंड करेंगे पापी ग्रह और शुभ ग्रह। शुभ ग्रह मकान कम देंगे, मकान का सुख देंगे, पापी ग्रह मकान ज्यादा देंगे, मकान का सुख नहीं देंगे, या फिर कह लीजिए कि मकान तो बहुत बना लिए लेकिन रह रहे हैं रेंट के मकान में, या रह रहे हैं बहुत दूर, या रह रहे हैं मकान बनाए यहां पर और रह रहे हैं विदेश में, तो ये स्थिति ये दिखाता है। उसके बाद चतुर्थेश का जब भी भाग्य से संबंध बनता है, चतुर्थ भाव के स्वामी का जब भी भाग्य से संबंध बनता है, तो ऐसे में कहा जाए किसी प्रकार का आपस में राशि परिवर्तन हो जाए, दृष्टि संबंध हो जाए, या फिर ये चतुर्थेश बलि अवस्था में यहाँ के बैठ जाए, तो ये कहा जाएगा जातक जो है अपने घर में पैदा होगा मकान के साथ। उसमें भी एक चीज का ध्यान रखिएगा, लगन से संबंध बनना जरूरी है। चतुर्थेश नवम में बैठ गया, या फिर चतुर्थेश लगन बैठ गया और नवम का स्वामी भी जो लगन बैठ गया, तो ये कहा जाएगा जातक जब भी पैदा होगा, जब भी पैदा हुआ होगा तो अपने मकान में पैदा हुआ होगा। अगर ये स्थिति है चतुर्थ भाव का स्वामी लगन में बैठे या लगने से संबंध बनाए, उसमें जो है भाग्य का इन्वॉल्वेशन हो जाए। एक चीज और ध्यान रखिएगा, बाय द वे अगर नहीं होता है, किसी कारणवश जो है नहीं हो पाता है, तो ये कहा जाएगा कि 2 से 3 साल के अंदर जो है अपना मकान जातक के पिता जरूर बना लें, कहीं से भी मिल जाए मकान जातक वो, लेकिन जातक का अपना मकान होगा या फिर उनके पिता का अपना मकान होगा, वो भले गिफ्ट में मिले, तोहफे में मिले, या किसी ने दिया हो, या फिर अपने से ही खरीदा हो, ये स्थिति ये बनाता है। चतुर्थेश लग्नेश मंगल और शनि, मतलब चतुर्थेश ये हो गया, लग्नेश ये हो गया, मंगल और शनि तथा 11वें भाव का स्वामी, मतलब फिर से समझिए, चतुर्थेश लग्नेश मंगल और शनि 11वें भाव में बैठ गए,
या ग्यारहवें भाव का स्वामी भी यहां पर आके बैठ गया है, मतलब चतुर्थेश लग्नेश मंगल शनि ग्यारहवें भाव का स्वामी इसमें बैठ गया है, या फिर ये चार ग्रह इसमें बैठे हैं, ऐसे में कहा जाएगा जातक अपना मकान छोड़िए दूसरों को मकान देगा, और बलि अवस्था में है दूसरों को मकान देगा मतलब बिल्डर होगा, फ्लैट्स बनाएगा, आप लोगों को आशियाना देगा। अगर ये स्थिति है तो ये कहा जाएगा जातक जो है बड़े स्थिति में जो है व्यापार करेगा भवन से संबंधित या जमीन से संबंधित। चौथे दूसरे चौथे और छठे भाव का मालिक, दूसरे चौथे और छठे भाव का मालिक आपस में संबंध बना ले, दूसरे चौथे छठे भाव का मालिक मतलब दूसरा भाव ये हो गया, चौथा भाव ये हो गया, छठा भाव ये हो गया, आपस में संबंध बना